forward. खालसा वाहिगुरू की फतेह। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश दिहाड़े नू कल दुखनिवार साहब तो विशाल नगर कीर्तन जिहड़ा सजाया गया थी पिंडां दे विच हुंदा हुंदा वो रामगढ़ गुरु घर दे विच आके विश्राम करवाया गया, जिथों कि बड़िया संगतां दे विच भारी उत्साह जिहड़ा पाया जा रहा। पटियाला जिले नाल संबंधित जिथे महाराज गुरु तेग बहादुर जी ने विश्राम किया, जिस स्थानां ते गए उस स्थाना ते ये नगर कीर्तन जिहड़ा सजाया जा रहा, संगतां दे विच काफ़ी उत्साह जिहड़ा पाया जा रहा। पटियाला जिले नाल संबंधित धार्मिक स्थानां ते ये नगर कीर्तन जाएगा, जिथों कि संगतां दर्शन कर सकणगियां। असीं गलबात भी करांगे प्रितपाल जी ने की कहना चाहुंदे बाबा जिहड़ा नगर कीर्तन दुखन वार साहब तो सजाया गया रात विश्राम ते जिहड़ा रामगढ़ साहब विखे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तिलक जंजू दे राखे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब नौवें पातशाह जी महाराज जी का, जो पावन पवित्र 400 साल प्रकाश उत्सव शताब्दी समागम आ रहा है, उहदे संबंध में श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समूह जथेबंदियां संगतां दे सहयोग नाल कल गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहब जी तो पटियाले जिले के जिहड़े नौवें पातशाह जी महाराज जी के पवित्र इतिहासक स्थान हैं उन्होंने स्थानों की यात्रा वास्ते नगर कीर्तन प्रारंभ होया। रस्ते बहुत सारे नगर के होंदया होया संगत भारी उत्साह वेखण प्राप्त किया और रामगढ़ बौड़ा विखे अज रात का विश्राम से। अज इस रामगढ़ बौड़ा नौवें पातशाह के पावन इतिहासक स्थान तो यह नगर कीर्तन और चेतना पैदा जी की जा रही है। साडे इस इलाके के हल्के मैंबर साहबान भाई साहब भाई सतविंदर सिंह जी टोड़ा साहब जिन्होंने विशेष उपराला करके इस नगर कीर्तन की जी है वो प्रारंभता की है। होर भी बहुत सारे गुरमत समागम जोड़े ने पटियाला गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहब विखे करवाए जा रहे हैं। इन सारे समागम का शुकराना समागम जोड़ा है वो 21 मार्च में गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहब विखे सवेरे 9 बजे तो प्रारंभ होकर दुपहरी 2 बजे तक वो समागम सजने ने। समूह संगतान बेनती उन्होंने समागमों में भी आप जी हाजरिया भरो और धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब नौवें पातशाह जी महाराज जी दी खुशियां प्राप्त करो जी। वाह जंगीर कौर जी प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जी के आदेश मुताबक तो साडे जथेदार मैंबर सतविंदर सिंह जी टौड़ा के यत्नां दे सदका इलाके दीआं संगतां दे सहयोग दे नाल कल तो ही एक बहुत बड़ा भारी नगर कीर्तन सजाया गया जो वख वख पिंडां चों हुंदा होया रामगढ़ बौड़ा विखे अज रात का विश्राम किया। रस्ते च संगतां ने बहुत ही गुरु साहब का सत्कार किया, उन्होंने सारिया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ अज आप दूजे पड़ा ले हुण थोड़े ही देर बाद यह नगर कीर्तन का अगला पड़ा शुरू हो जा रहा। आप सारिया संगतों को बेनती करते हैं आओ गुरु घर दी खुशियां लईए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत वडभागी समा हैगा कि साडी जिंदगी विच 400 साल गुरु पातशाह का प्रकाश आया, सो सारिया संगतां वडभागी ने और इस गल तो बहुत वड्डा लाभ उठाना चाहिए क्योंकि अज जरूरत हैगी है कि गुरु पंथ नाल गुरु के चरणों नाल जुड़न की, क्योंकि करीतियां जिहड़ियां ने बहुत वड्डे पद्धर ते फैल चुकियां ने ते करीतियां खत्म कीतियां जा सकदियां गुरु के चरणों नाल जुड़ के और वडभागी ने संगतां जिहड़ियां दर्शन कर रही। पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 400 साल प्रकाश पुरब को समर्पित दर्शन दीदार नगर कीर्तन जो 1 मार्च तो आरंभ होकर 6 मार्च तक लगातार 6 दिन चलेगा, जिन्हें भी जिले के पातशाह के 400 पवित्र स्थान हैं सारे दर्शन करता होया मोती बाग विखे संपन्न होगा। अज दूसरा दिन है, राती असी गुरद्वारा बौली साहब पातशाही नौवीं रामगढ़ विखे पड़ा किया और अज सवेरे आरंभता हो रही है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने त्रुट के कृपा की है, संगत ने भरपूर चढ़ती कला नगर कीर्तन का स्वागत किया है। वाहिगुरू जी की फतेह। साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश दिहाड़े समर्पित दर्शन दीदारे नगर कीर्तन जो कि वख वख पिंडां हुंदा होया गुरद्वारा साहब दुखनिवार साहब तो आरंभ हो के रात गुरद्वारा पातशाह नौवीं बौली साहब रामगढ़ बौड़ा विखे विश्राम किया सीगा ते अज सुबह इसकी आरंभता हो जा रही है नगर कीर्तन की। इस नगर कीर्तन की संगत बहुत उत्साह है। सो स्थान सुहावा राम राजे
ते मां वाक अनुसार असी बहुत भागा वाले हाँ कि साडे नगर श्री गुरु तेग बहादुर जी एक रात इत्थे रहे। सो अज सानू बहुत बड़ी खुशी है कि उन्होंने 400 साले दे उपर नगर कीर्तन साडे नगर पहुँचे है, रात इत्थे विश्राम किया है, हुण अगे चाले पा रहे ने। वधिया संगत दे दीदार दर्शन होए ने ते अपने दुख निवारण साहब पटियाला तो चल के रात 2:15 बौड़ा कलां रामगढ़ गुरु घर बौली साहब पहुँचिया। संगतां दे विच बहुत उत्साह आ, दर्शन करन दा मौका मिलिया। 400 साला दिवस मनाया जा रहा गुरु तेग बहादुर जी की याद में समर्पित रख के, तो बहुत धन्यवाद असीं बौड़ा सी। अज दूसरे दिन जो रवाना कीर्तन नगर कीर्तन जा रहा है तो सारी संगत दे विच जो उत्साह मैं देख रही हाँ, सो मैं यही संगत नूं बेनती करूँगी जो उत्साह संगत दे विच है उस उत्साह नूं देखदे होए बहुत मन खुश होया। ते नाल मैं बेनती करदी हाँ कि इस उत्साह नूं अज दी नौजवान पीढ़ी अपने धर्म दे नाल जोड़ के सिखी ते सिख रह दे नाल जो के अज दी नौजवान पीढ़ी इस रास्ते तो भटकी हुई है उस इस रास्ते ते बच्चे जाके साडा पंजाब दा जो अपा नूं अज दा एक कलंक ही नज़र आ रहा है ते वह मैं कहनी हाँ भी वह कलंक आपां धो दीए। 100 साला गुरपर्व जिहड़ा मनाया जा रहा है साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का, पंजाब नहीं पूरे हिंदुस्तान के विच धार्मिक प्रचार किए जा रहे हैं, जागृति प्रचार किए जा रहे हैं, जितों कि अज नाभस दूजा पड़ा जिहड़ा शुरू होया नगर कीर्तन का जो कि समाणा जाके रात में विश्राम करेगा। डेली पोस्ट पंजाबी लई नाभा तो हरमित सिंह मान।